रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस क्रम में रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने उन 3 यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट कर दिया है जिन्होंने मॉस्को में हमला करने की कोशिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने लीप्स एंड ब्राउंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रेड की। 21 और 22 अगस्त को कंपनी के 3 ऑफिस में यह छापेमारी की गई। ईडी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में गुरुवार सुबह एक ट्रक खाई में गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक घायल ट्रक के नीचे फंसा हुआ है, इसे रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 50 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 93 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 63 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान एक मरीज की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 69,40,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 69,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.9 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। जून को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन की बुधवार देर रात एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। वो प्राइवेट आर्मी बैगना ग्रुप के चीफ थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रूस की एजेंसी तास के हवाले से यह खबर दी है। क्रैश में 10 और लोग के मारे जाने की खबर है। वनडे वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच का शेड्यूल ICC ने जारी कर दिया है। 29 सितंबर को बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में पहला वार्म अप मैच होगा। भारत 30 सितंबर को डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में ही वार्म अप मुकाबला खेलेगा। 10 वार्म अप मैच 5 दिन में 3 अलग अलग स्टेडियम पर होंगे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से खूब तबाही मची है। वह फ्लैश फ्लड के एक बच्चे सहित 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग लापता हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश से 17 मकान जमींदोज हो गए, जबकि 105 को आंशिक नुकसान हुआ है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये लीटर तो डीजल 89.62 रुपये लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं देश के 16 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के ऊपर बना हुआ है। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 289 अंक की तेजी के साथ 65,722 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में भी 91 अंक की तेजी रही। ये 19,535 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और 2 में गिरावट देखने को मिल रही है।